ठीक है, देखिए लास्ट टाइम हम लोग ने एक बात की थी यहाँ पर कि नो बॉन्ड, नो बॉन्ड इज परफेक्टली आइनी और पोल। ठीक है, कल बात की हुई थी कि अगर सिमिलर एटम्स हो, जैसे मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही मान लूं, तो क्या सिमिलर एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड परफेक्ट कोवेलेंट होगा? तो भी हमारा आंसर आया था नहीं, ये परफेक्ट कोवेलेंट नहीं। ठीक है, अच्छा ये स्टेटमेंट जो है कई बार ये स्टेटमेंट नहीं एक्चुअली में दूसरा स्टेटमेंट एक नई थ्योरी जनरेट कराता है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट कराता है। हम एक टर्म यूज करते हैं डायपोल मूवमेंट, लिखे डायपोल मूवमेंट। ठीक है, डायपोल मूवमेंट हम दो तरह से लेते हैं, एक बॉन्ड डायपोल मूवमेंट एंड एक मॉलिकुलर डायपोल मूवमेंट। लिखें, वी सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायपोल मूवमेंट्स, बॉन्ड डायपोल मूवमेंट एंड मॉलिकुलर डायपोल मूवमेंट, विच स्टार्ट्स विद सेपरेशन ऑफ चार्जेस, विच स्टार्ट्स विद सेपरेशन ऑफ चार्जेस। And higher the separation of charges, and higher the separation of charges, higher the ionic character, higher the ionic character. ठीक है, और इसी तरह से ये भी कहते हैं चूंकि higher the separation of charges, bond dipole moment will be higher also because bond dipole moment is distance into separation of charges, so it is directly proportional to separation of charges. तो हम अगेन लिखते हैं higher the separation of charges implies higher the bond dipole moment also, higher the separation of charges, higher the separation of charges, higher the dipole moment also. And if there is no separation of charges, and if there is no separation of charges, ठीक, and if there is no separation of charges, we will say there will be no bond dipole moment, there will be no bond dipole moment. But that doesn't mean there is no ionic character. There is no ionic character. ठीक है, लाइन चेंज करके स्टार मार्क करके, देयर मे बी एनी करेक्टर इवन इफ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस, देयर मे बी एनी करेक्टर इवन इफ देयर विल बी एन एनी करेक्टर इवन इफ देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। हेडिंग डालते हैं पोलराइजेशन, हेडिंग डालते हैं पोलराइजेशन। ठीक, पोलराइजेशन इज मूवमेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर, चेंजेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कैरेक्टर। Let's suppose if I say there is a molecule AB, there is a molecule AB which is expected to be ionic,
विच इज एक्सपेक्टेड टू बी आयनिक, ठीक है, और वो आयनिक नहीं आया, इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी आयनिक बट वो आयनिक नहीं आया, ठीक है। अगर वो आयनिक नहीं आया, आयनिक आना चाहता था, तो इस चीज को, इस टर्मिनोलॉजी को आप कॉमनली किस नाम से जानते हो? इसी चीज को आप कॉमनली किस नाम से जानते हो? कॉमनली का मतलब वो पहले से ही मतलब कहीं ना कहीं आइडिया रहा हो इसका, एक्सेप्शन। इसी चीज को आप एक्सेप्शन बुलाते हो, एक्सेप्शन और कुछ भी नहीं है जो नॉर्मल ट्रेंड पे लागू ना हो। नॉर्मल नहीं आया उसका रीजन और बहुत सारे हो सकते हैं, पक्का। चलिए, अब ये एक्सपेक्टेड था आयनिक में, बट इट वॉज नॉट दैट, इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, लेट सपोज इज फॉर्म टू बी 78%, इज फॉर्म टू बी 78%, what will we say percentage polarization is 22%, the percentage polarization is 22%। ये बात समझ में आ रही है? अपने बिहेवियर से, जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था उससे कितना अलग हो, दैट विल बी कॉल्ड पोलराइजेशन। पक्का नोट करिए, परसेंटेज पोलराइजेशन इस केस में हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 22। भाई लोग जिसका भी स्पीकर ऑन हो ऑफ कर लीजिए, इतनी बात समझ में आ रही है। लेट सपोज इफ आई से देयर इज अ मॉलिक्यूल एक्स वाई, देयर इज अ मॉलिक्यूल एक्स वाई, ठीक है ना, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कोवलेंट, एंड इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 15%, इट्स परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 15%। नाउ टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज पोलराइजेशन, 15%, परसेंटेज पोलराइजेशन इज 15%। नोट कर लीजिए, डाउट हो पूछ लीजिए। बेटा परसेंटेज पोलराइजेशन क्या है? आप अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट हुए, आपकी नॉर्मल पोजीशन से। इस आदमी की नॉर्मल पोजीशन कहां पे थी? कोवलेंट पे। ये कोवलेंट, इसके अंदर कोवलेंट का करेक्टर कितना है? इस कंपाउंड में कोवलेंट का करेक्टर कितना है? 85%। कितना अपने करेक्टर से कम है? 15%। कितना भागा है कोवलेंट वाले पॉइंट से? 15%। कितना पोलराइजेशन हुआ? 15%। कोवलेंट था, मान लीजिए कोई आदमी कोवलेंट था, तो उसके उसका परसेंटेज पोलराइजेशन परसेंटेज आयनिक के बराबर होगा। ये आयनिक था, इसका पोलराइजेशन परसेंटेज कोवलेंट के बराबर होगा। उल्टा, जो नॉर्मली एक्सपेक्टेड था उससे उल्टा करेक्टर दिखता है। पक्का यहां तक बात समझ में आ रही भाई लोग? चलिए, नाउ इफ आई से देयर इज अ मॉलिक्यूल समथिंग सी डी, आई डोंट नो, हां दिखाई दे रहा है, देयर इज अ मॉलिक्यूल सी एंड इट्स परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज लेट्स से 60%। I don't know, it was expected to be ionic or covalent, I don't know, but I do know is its percentage ionic character is 60%. So what is the percentage polarization? So what is percentage polarization? Koi aur ho sakta hai bata de, aap nahi bata sakte to, theek hi hai, aapne apne bare mein theek hi bataya hai। What should be the percentage polarization? Easy है। 40 क्यों? क्यों 40?
या क्यों 40? अगर नहीं पता नलिन भैया तो फिर क्यों आंसर बोला? पहले अगर आयनिक था, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, अगर आयनिक था तो आंसर 40 आना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं, तो उसमें तुम्हीं ने तो कहा है ऐसा है, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर पोलराइजेशन कम वो भी पोलराइजेशन ज्यादा भी तो हो सकता था। क्यों ज्यादा नहीं हो सकता? आराम से टाइम लीजिए, सोच के बताइए। आसान सवाल है, आंसर 40 है, आंसर 40 करेक्ट है। सोच के बताइए क्या हुआ होगा। देखिए हर आदमी को मैं आयनिक कंपाउंड बुला सकता हूं, बुला सकता हूं कि नहीं बुला सकता हूं? थ्योरेटिकली हर आदमी को मैं आयनिक कंपाउंड बुला सकता हूं कि नहीं बुला सकता हूं? हाँ थ्योरेटिकली लग तो सही ना। हर आदमी को मैं कोवेलेंट बुला सकता हूं हर मॉलिक्यूल को? हाँ ये भी थ्योरेटिकली सही लग रहा है। तो हर आदमी मतलब उसमें फिर कुछ कहीं तो कैटेगराइज करोगे कि आयनिक है कि कोवेलेंट है? करोगे कैटेगराइज कि नहीं करोगे भाई? इस कंपाउंड को आप आयनिक लिखोगे, इस कंपाउंड को आप कोवेलेंट लिखोगे। जैसे H2 को कोई आयनिक कंपाउंड बुलाए, H2 का ही कंपाउंड लिखा हुआ और कहे कि दिस वन इज द आयनिक कंपाउंड, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। उसका रीजन क्या होगा? यार उसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है ना, उसमें मेनली कौन सा कैरेक्टर है? कोवेलेंट। ये बात क्लियर है पक्का? वैसे ही कोई NaCl को कोवेलेंट कंपाउंड बुला ले तो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। रीजन क्या है? उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, पक्का? तो किसी मॉलिक्यूल को हम आयनिक या कोवेलेंट में कैटेगराइज करेंगे कैसे? जिसका कैरेक्टर ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, जिसका कैरेक्टर ज्यादा होगा वही मान लिया जाएगा। और हाफ वे कैरेक्टर कितना होगा? 50। जैसे कंपाउंड है जिसमें 52% आयनिक कैरेक्टर है, मैंने कहा एक कंपाउंड है इसमें 52% आयनिक कैरेक्टर, अगर 52% आयनिक कैरेक्टर है तो इसको मैं आयनिक कंपाउंड बुलाऊं या कोवेलेंट कंपाउंड? आयनिक। अगर मुझसे एक आंसर लिखना होगा कोवेलेंट और आयनिक में, मैं क्या लिखूंगा? पक्की बात है। और अगर वहीं पे 43% आयनिक कैरेक्टर होता तो मैं क्या बुलाता? कोवेलेंट। पक्का? ये कंपाउंड है कैसा? आयनिक। ये कंपाउंड है कैसा? आयनिक। अब इसके आंसर्स किस तरह से डिराइव होंगे? एज पर आयनिक। इसके आंसर्स किसके हिसाब से डिराइव होंगे? एज पर आयनिक। आयनिक के हिसाब से ये कितना चेंज किया है अपने बिहेवियर को? 40%। सो व्हाट इज परसेंटेज पोलराइजेशन? नोट करो, सो परसेंटेज पोलराइजेशन इन द केस ऑफ सीडी विल बी कॉल्ड, यस सीडी विल बी टर्म्ड एज 40%। ठीक है यहां तक? अच्छा यहां से एक चीज और समझ में आई, कई बार हमें ये डिसाइड करने में कि कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है दिक्कत भी आई थी, ठीक है? और उस दिक्कत को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? उस दिक्कत को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? परसेंटेज कैरेक्टर निकाल, जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा उसके हिसाब से आंसर लिख दिया जाए। तो परसेंटेज जब कैरेक्टर निकालेंगे, मेरी बात सुनिए, परसेंटेज कैरेक्टर जब हम निकालेंगे, और मैं अभी सिर्फ ए बी टाइप के लिए ले रहा हूं, डायटोमिक सिस्टम के लिए, ठीक है? हम जब परसेंटेज कैरेक्टर निकालेंगे तो हमें 50% बहुत चेक करना पड़ेगा, 50% से कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है।
तो हम ये डिटरमाइन कर ले कि 50% एनी कैरेक्टर कब आता है, 50% एनी का 50% कोवेलेंट। सो वी से दैट इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी ए 1.7 द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज 50%। नोट करते भैया लोग जो भी ऑनलाइन है अपना स्पीकर ऑफ कर लीजिए। किसी के पास यहाँ पर जेडीली है क्या सुदर्शन हुआ? आईपैड में जल्दी से चेक करके देखेंगे वो कितनी वैल्यू जनरेट करा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की, वो कितनी वैल्यू जनरेट करा रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की फॉर 50% आयनिक करेक्टर। भाई कौन है यार ये? हर्ष बजाज आपका स्पीकर ऑन क्यों है? कितनी वैल्यू दे रहा है? कहा दिया ये दिख नहीं रहा है, मतलब आके करा में या बुक में ढूंढ नहीं पा रहा हूं। पवार साहब आप अगर बुक में कोई टॉपिक ढूंढ नहीं पा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी क्लास में भी रखूं, आपको आईटीएन भी बनाऊं, है ना, और फिर कदमों में आपके दुनिया भी आ जाए, पवार साहब पवार साहब आपका कोई दोस्त मान लीजिए कुएं में कूदने जाएगा क्या करेंगे आप? धक्का मार दूंगा मैं। पक्का और भरोसा है या नहीं है? इतने दिनों से आ रहे हो, भरोसा है या नहीं है? पक्का? तो अगर आप नहीं ढूंढ पाइएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। ढूंढिए जल्दी से। आईपैड का हाँ भाई बैग से लेके आए। जितने लोगों के पास में आईपैड ना खड़े हो जाए
छोड़िए इधर देखिए, बाद में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ रिगार्डिंग द एनी कैरेक्टर, ये नोट तो कर लिया था 1.7। नाउ रिगार्डिंग द एनी कैरेक्टर, फरहान हैज सेट सम रूल्स, बिकॉज आज की क्लास का टारगेट भी है कि कम से कम इतना तो कंप्लीट कराया दिया जाए, ठीक है। ट्रेनिंग डाले थे फजान, फजान रूल, फजान आपने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, मान लीजिए मैंने ही पढ़ाया हो तो सुदर्शन को हमें नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में नहीं है, ठीक है। बंसल में भी केमिकल बॉन्डिंग में नहीं है, बंसल में भी किस चैप्टर में नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं। और यही तो चीजें मैं यूज कर रहा हूं, मटेरियल बंसल का और बुक ये, ठीक है। तो मेरी मजबूरी कहां होगी पढ़ाना, जिस चैप्टर में दिया होगा, क्योंकि तुम शीट तो मैं वही कह रहा हूं, इट इज इन प्रायोरिटी टेबल। ठीक है, पढ़ाया नहीं है मैंने, तब भी यही कहा था कि केमिकल बॉन्डिंग में मेनली हम पढ़ा देंगे इसे, क्योंकि उतना समय नहीं था हमारे पास, तो बेटर है यहीं पे पढ़ा दिया जाए। तो पहला रूल लिखते हैं फजान का, For better ionic character, the numerical value of charges should be on the lower side. We have to confirm which one is more ionic and which one is less ionic. Options are ABCD. There are four options. ठीक है, check कर लिया जाए four options को। पहले वाले केस में जो numerical values हैं वो कितनी है? Charges. इस पे charge कितना होगा? Plus one. Numerical value is one. Numerical value over here is one. It is a case of तो 1/1 कितने नहीं ले रहा हूं, 1/1 ले रहा। दिस वन इज द केस ऑफ 2/2, दिस वन इज द केस ऑफ 3/3, दिस वन इज द केस ऑफ 3/4, दिस वन इज द केस ऑफ 3/4। जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी उतना आयनिक कैरेक्टर आपका नलिन में, ये बोलो जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी आयनिक कैरेक्टर, अरे लिखा है ना स्टेटमेंट, क्या लिखा है, खड़े हो नलिन भैया, हाँ पढ़ो। फॉर बेटर आयनिक कैरेक्टर द न्यूमेरिकल वैल्यू चार्जेस शुड बी ऑन लोअर साइड। तो बताएं न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी चार्जेस की तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या कम होगा? कम कम पक्का। तो सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कौन शो करेगा यहाँ पे, सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर कौन शो करेगा यहाँ पे, NaC। सबसे कम आयनिक करेक्टर कौन शो करेगा, Al4C3। इतनी बात समझ में आ रही है, मोस्ट आयनिक अमंग दीज आयनिक कंपाउंड्स इज
एनएसी। मैंने मान लिया है चारों के चारों आयनिक है, मैंने मान लिया है चारों के चारों क्या है आयनिक है, मोस्ट आयनिक इज एनएसी। बैठे पक्का, लीस्ट आयनिक इज F4C3। पक्का लिख लें, ठीक है यहां तक नोट कर लिया, सवाल नोट कर लिया था, चार ऑप्शंस नोट कर लिए, जल्दी से कर लें इतना। कंपाउंड विद लीस्ट पोलराइजेशन फ्रॉम आयनिक करेक्टर इज, सवाल लिखे, कंपाउंड विद लीस्ट पोलराइजेशन फ्रॉम आयनिक करेक्टर इज, कंपाउंड विद लीस्ट पोलराइजेशन फ्रॉम आयनिक करेक्टर इज, इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। बिल्कुल सही बात है, आंसर लिखे NaCl। लीस्ट पोलराइजेशन आयनिक करेक्टर से कौन दे रहा है? NaCl। और हाईएस्ट कौन दे रहा है? बैठ जाइए A4C3। वो सबसे ज्यादा चेंज इन बिहेवियर शो कर रहा होगा, NaCl सबसे कम चेंज इन बिहेवियर शो कर रहा होगा। कंपाउंड्स विच आर शोइंग पोलराइजेशन इज आर, कंपाउंड्स विच आर शोइंग पोलराइजेशन इज आर, कंपाउंड्स विच आर शोइंग पोलराइजेशन इज आर, नहीं सुनाई दे रहा नन ऑफ द अबव है ही नहीं ऑप्शन में, भैया बिल्कुल सही बात है, सारे जो करेंगे भाई सब में पोलराइजेशन तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। लिखे आंसर ऑल ऑफ दीज या ABCD, ऑल ऑफ दीज या ABCD, ठीक है। अगला रूल लिखते हैं, अगला रूल लिखते हैं प्रधान का, फॉर बेटर आयनिक कैरेक्टर द कैटायन शुड बी लार्ज, फॉर बेटर आयनिक करेक्टर कैटायन शुड बी लार्ज। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में फिर से बताना है आपको। पक्का NaCl, NaCl, KCl, CaCl, भैया कंपाउंड विद मोस्ट आयनिक करेक्टर इज, कंपाउंड विद मोस्ट आयनिक करेक्टर इज सीजीएम क्लोराइड, बिल्कुल सही है, लिख लीजिए सीजीएम क्लोराइड। कंपाउंड विद मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर हेयर इज, भैया नीचे वाले आपके, हाँ कंपाउंड विद मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर हेयर इज, बिल्कुल सही बात है, लिथियम क्लोराइड। बैठिए, आंसर इज लिथियम क्लोराइड। कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट पोलराइजेशन ओवर हेयर इज,
कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट पोलराइजेशन ओवर हेयर इज गर्ल्स में सबसे आगे बैठे हैं. कंपाउंड शोइंग हाईएस्ट पोलराइजेशन ओवर हेयर इज NaCl. बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, नमक तो खाने में होना ही पड़ना ही चाहिए. पक्का नमक खाते हो आप? काला नमक, काला नमक खाया है? पक्का क्या होता है फॉर्मूला उसका? NaCl. NaCl काला होता है, होता ही होगा बेटा आप कह रहे हो तो. बैठो बेटा, मेहमानों को कुछ कहना नहीं चाहिए ना. गलत तुम बना दिया. पीछे दीदी सवाल क्या पूछा था? हाईएस्ट पोलराइजेशन. आंसर LiCl. अगला गोल लिखते हैं. हाई क्यों हुआ? सबसे ज्यादा आयनिक कौन है यहां पर? सी सबसे कम. LiCl. LiCl आयनिक करेक्टर से सबसे ज्यादा दूर होगा या सबसे ज्यादा पास होगा? सबसे ज्यादा दूर होगा. तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कौन सा शो करेगा? LiCl. अगला लिखें, रूल लिखें. फॉर बेटर आयनिक करेक्टर एनायन शुड बी स्मॉल. फॉर बेटर आयनिक करेक्टर एनायन शुड बी स्मॉल. मोस्ट आयनिक, मोस्ट आयनिक यार अब तक तो जवाब देना स्टार्ट हो जाना चाहिए था. फ्लोराइड. मोस्ट आयनिक इज फ्लोराइड. एनायन कैसा होना चाहिए? छोटा. पक्का मोस्ट आयनिक फ्लोराइड वाला. और लीस्ट आयनिक आयोडाइड वाला. पक्का मोस्ट पोलराइज्ड. मोस्ट पोलराइज्ड आयोडाइड वाला. लीस्ट पोलराइज्ड फ्लोराइड वाला. नोट कर ले भाई. ठीक है यहां तक. देखिए आपके ग्रुप पे आज डीपीपी आ जानी चाहिए रिगार्डिंग फजान रूल और डीपीपी सॉल्व हो जानी चाहिए. पक्का जितने लोग भी ऑफलाइन में आ रहे हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं होमवर्क जरूर करके आए. पक्का चलिए ऑनलाइन पर हम होमवर्क चेक नहीं कर सकते, लेकिन जितने लोगों का चेक कर सकते हैं उतने लोगों को तो किया जाए. ठीक है यहाँ तक. हेडिंग डालते हैं थ्योरीज रिगार्डिंग बॉन्डिंग इन कोवेलेंट कंपाउंड्स. देखिए आपकी थ्योरी जो स्टार्टिंग ऑफ द थ्योरी जहाँ से हमें पढ़ना है वो आपकी स्टार्ट हुई डीबीटी से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. ठीक है, उसकी शुरुआत ऑक्टेट रूल से भी हुई. उन्होंने ऑक्टेट रूल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ले करके सॉल्व करना स्टार्ट किया. और देखिए जो भी
स्टार्टिंग सिस्टम्स होते हैं जहां पे वैलिडिटी आ रही थी, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं स्पेशल मीनिंग रखते थे, ठीक है। हम लोग कुछ भी कर लें, कितना भी जानते हो रदरफोर्ड मॉडल बहुत खराब था। आप बंद करके अगर हम एटम को विजुलाइज करते हैं तो अभी भी जो हमें एटम दिखाई देता है वो किसके हिसाब से है, रदरफोर्ड के हिसाब से। ये बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि गलत, क्योंकि वो पहले पढ़ाया गया है, और जब पढ़ाया गया है तो उस समय शायद हम उसे बहुत अच्छे से काउंटर नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग जनरेट भी हो जाती है। कॉमिक करेक्टर्स में जिस तरह से एटम दिखाने की कोशिश की गई, उसी तरीके का दिखाने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं चलता भी, तो उसी तरह से भी मिली एक थ्योरी है। रदरफोर्ड में क्या हुआ था, रदरफोर्ड ने थ्योरी दी, थ्योरी देने के बाद में कुछ गलतियां आई, गलतियां आई तो फिर रेक्टिफिकेशन, छोटे छोटे रेक्टिफिकेशन हुए, क्योंकि वो सिर्फ एटम के बारे में, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे पूरी बॉन्डिंग के बारे में था, तो पूरी बॉन्डिंग के बारे में था तो सिंपल रूल्स पूरे बॉन्डिंग को तो समझा नहीं सकते थे, ठीक है। देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन सिंपल रूल्स पूरी बॉन्डिंग नहीं समझा सकते थे, ये बात बहुत कन्फर्म था, ठीक। तो फिर कुछ गलतियाँ आई, गलतियाँ आई तो फिर क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन से स्टार्ट हुए, BACTR हाइब्रिडेशन, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, कहीं ना कहीं एक तरीके से रेक्टिफिकेशन से, कि भाई थ्योरी पूरी पूरी उठा करके मत फेंको, आप वैसे ही करीब करीब रहने दो और इसमें ये रेक्टिफिकेशन कर, इस तरह से देखना स्टार्ट। तो इसको मैं अलग अलग पार्ट ना मानते हुए सिंगल थ्योरी का ही सिस्टम लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड वन इज एमओटी, हम बात कर चुके हैं। अगर हमारा मॉलिक्यूल डायटॉमिक है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एमओटी से। मोर देन टू एटम्स हैं तो इस ग्रुप से, और इस ग्रुप से सीएफटी और एलएफटी से हमें लेना देना नहीं। ये चीज ठीक से लिख लीजिए, हमें मालूम तो हो कि हम कौन सा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं हमें इस पे बात करनी है कि किस तरह से बॉन्डिंग और कौन कौन से हमारे रूल्स आए। पहले ये देख लिया जाए कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, हम किस तरह से सिस्टम को जनरेट करेंगे, किस तरह से सिस्टम को सॉल्व करेंगे। तो जब हम बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड जो हम एक वर्ड लिख रहे हैं बॉन्ड का, और मैं अभी बात कर रहा हूँ कोवेलेंट बॉन्ड, अभी बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में जनरली हमारा आइडिया क्या है कि क्या होता है, जनरली आधा आधा, क्या आधा इलेक्ट्रॉन मेरा आधा तेरा,
आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ शेयर करते हैं? तुमने कहा ना आधा आधा शेयर करते हैं, आधा क्या बीच में रखते हैं? हाँ ठीक, बीच में क्या रखते हैं? इलेक्ट्रॉन। कितने? इसका एक, इसका है। चलो ठीक है, और कितने लोग मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं? जनरल आइडिया हमारा 272 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जनरल आइडिया हमारा क्या है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हमारा आइडिया। ये बात क्लियर समझे? ठीक है, 2 सेंटर मतलब कोई भी बॉन्ड बनेगा तो किसमें बनेगा? दो लोगों में। कोई भी बॉन्ड बनेगा तो कितने लोगों में बनेगा? दो लोगों में। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दो। एक आर्बिट सा कहते हैं, ये मैंने फिगर तो किसी और वजह से जनरेट की हुई है, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है और मैंने बॉन्ड साथ दिया। इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? ये सारे एटम्स हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस एक पर्टिकुलर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए नॉर्मल कंडीशन, दो, एक इसका और एक, इतनी बात क्लियर है? यही हमारा जनरल आइडिया था। और बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड कैसे होते हैं? स्ट्रेट। ये आइडिया थे हमारे, जनरल आइडिया हमारे यही थे, बॉन्ड कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ठीक। एंड सो ये 12 बॉन्ड थे, पर ये इलेक्ट्रॉन जो ये शेयर हुए, मान लीजिए इस एटम का नाम एक्स है, तो एक्स ने यहां पे जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, ये दोनों आपस में मतलब सेम नहीं है, मतलब अलग अलग तरह बिहेव कर रहे हैं, और ये आपस में इंटरचेंज भी नहीं हो सकता, मतलब ये इधर से उड़ के गायब हो गया, इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं। एक बार बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन चला गया वो वहां पर क्या हो गया? फिक्स। ये इस तरीके का कोई आइडिया था, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड था हमारा, कोवलेंट टाइप की बॉन्डिंग थी, कोऑर्डिनेट भी थी, कोऑर्डिनेट भी था, याद करें हम। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो रहा था हमारा? कोवलेंट बॉन्ड ये कहते थे कि ए और बी दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे, एक ए देगा और एक बी। और कोऑर्डिनेट में क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा है आपने? हाँ सर, जो ए है वो दोनों देगा, बी को भी देगा, या फिर बी दोनों देगा ए कुछ नहीं देगा। उसमें इस तरह से था, या तो ए दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ए दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, ठीक है, या फिर बी दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। नहीं, नोट नहीं करना था, अभी नोट नहीं करना, ये नहीं पढ़ा, ठीक। अच्छा अभी कोवलेंट वाले से बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट में हुआ है इससे हमें समझने में थोड़ी सी आसानी, ठीक है। इसमें दो केसेस मैंने लिखे हुए हैं कोऑर्डिनेट में, इसको मैं केस वन बुला लेता हूं, इसको मैं केस टू बुला लेता हूं, आरबीटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा केस वन केस टू से, सिर्फ मैं नाम के लिए केस वन केस टू बुला लेता हूं। केस वन में क्या हुआ है? केस वन में क्या हुआ है? नहीं, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रही है केस वन में, कहां दिए हैं बी को इलेक्ट्रॉन्स? बीच में शेयरिंग में दे रही है, अभी तो मैं मालूम कि शेयरिंग में दे रही है। ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्या ये सही है? पक्का बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि ए ने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिए हैं? नहीं, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए भाई, ठीक है। तो यहां ने हुआ क्या है फिर से? कोई और
सर ए ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ शेयर करे, ए ने दो इलेक्ट्रॉन्स बी के साथ शेयर किए, पक्का? यहां तक सही समझ में आ रहा है? पक्का है? बी ने क्या किया? बी ने शेयरिंग में क्या किया? नाम भी आपका जीवेश, जीवेश, जीवेश। इसीलिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि यही यही से हमारी थ्योरी समझ में आएगी कि बी ने क्या किया। अपना आइडिया लगा, ठीक है? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि कोई चीज आपको पहले से पढ़ाई गई हो तभी आप बता पाए। पता? मुझे सिर्फ ये बताओ कि बी ने क्या। ए वाले को एक्स्ट्रा स्पेस दी, इतनी बात मान लिया कि देखना ओम बैठे जी बेच दी, ओम पाटिल को जो एक्स्ट्रा स्पेस दी है, ये बात सही है, एक्स्ट्रा स्पेस दी है, पक्का? यहां तक स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वो जो एक्स्ट्रा स्पेस दी है उसको हम किस नाम से बेटर बुलाएं इस क्लास में? वो जो एक्स्ट्रा स्पेस बी ने दी है उसी चीज को हम इस क्लास में किस नाम से बेटर बुलाएं? दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ भाई, बी ने क्या किया? बी ने ए को क्या दिया? स्टेबिलिटी। बैठिए भैया, बी ने ए को क्या दिया है यहाँ पर? ये जो शेयरिंग हुई है, ये जो बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसका नाम दिया जा रहा है, इस बॉन्ड के फॉर्मेशन में बी का रोल क्या है? लेने के अलावा देने में क्या रोल है? बैठे भैया, हाँ दीदी, नाम दीदी आपका कृतिका, बड़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर सी है आप। कृतिका रोती तो नहीं हो? कितनी जल्दी रोती हो आप? कितनी जल्दी रोती हो आप? मुस्कुराने वाले बहुत जल्दी रोते हैं, मेरा अपना आइडिया यही कहता है। अच्छा मान लीजिए कि कोई शब्दावली गलत यूज करे, इंग्लिश के टीचर होते होंगे ना, पढ़े हो इंग्लिश में, कोई टीचर हो तुम ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दो तो उसका पारा चढ़ जाता हो, पक्का ना? आपने कहा है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, आपने एक वर्ड यूज किया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मैं ये मान के चलता हूं कि कल की क्लास आपने सुनी ही नहीं मेरी। कल हमने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, किसी भी आदमी के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन हो कभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं, इतनी बात की थी कि नहीं की थी समझाने की थी? देखा था आपने वीडियो? थैंक यू, बैठ जाओ। हाँ, इसी स्पेस को दीदी क्या कहेंगे हम? हमने बिल्कुल मना नहीं किया कि गलत कह रहा है, हमने नहीं कहा था गलत कह रहा है, हमने कहा उसी स्पेस को क्या वर्ड दोगे तुम मेरी क्लास में? देयर इज नथिंग लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, कल समझाया ना, कोई साधु नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, देयर इज नथिंग लाइक इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इट इज अ लैक ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मुझे एक्स्ट्रा स्पेस दिया, स्पेस दिया उसने,
बी ने स्पेस दिया, उसी स्पेस में ही सोचिए उसी स्पेस को क्या बेटर वर्ड यहां कहा जाएगा, किसके लिए स्पेस दिया, स्पेस किसके लिए दिया, अरे किसको स्पेस दिया रहने के लिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को उसने स्पेस दिया, वो स्पेस इलेक्ट्रॉन का ही कहलाएगा, स्पेस स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है दीदी, ऑर्बिटल, क्या दिया उसने, कैसा ऑर्बिटल दिया, एम्प्टी ऑर्बिटल दिया, लिखे भैया लोग बैठिए, व्हाट हैज बी प्रोवाइडेड ओवर हियर इज एम्प्टी ऑर्बिटल, व्हाट हैज बी प्रोवाइडेड ओवर हियर इज एम्प्टी ऑर्बिटल, कंफर्म संस्कार जैन, चलिए अच्छा हुआ आपने खुद ही बंद कर लिया, पक्का व्हाट हैज ए प्रोवाइडेड नाउ, व्हाट हैज ए प्रोवाइडेड नाउ, ए ने क्या प्रोवाइड किया है, इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दिए बिल्कुल है, और क्या दिया है, कुछ नए शब्द बताएं, थोड़ा सा साइकिक एबिलिटी यूज करें, वो शब्द ढूंढें जो मेरे दिमाग में चल रहा है जो मैं कहना चाहता हूं, पवार आप साइकिक नहीं है, नहीं है या नहीं है, कैसा नहीं सुनाई देना, नहीं है कभी पवार, तेरे साथ हुआ है कि तुझे मालूम हो कि बारिश होने वाली है, बहुत कस के मूसलाधार, बहुत पड़ने वाले हैं, कभी ऐसी फीलिंग आई, कभी ऐसी फीलिंग आई, बच गया आज, साइकिक है अपन, थोड़ा बहुत साइकिक तो सब होते हैं ना, व्हाट हैज ए प्रोवाइडेड ओवर इट, हाँ चार्ज, और कुछ प्रोवाइडेड, बी ने क्या प्रोवाइड किया था, ऑर्बिटल विच वाज एम्प्टी, फील्ड ऑर्बिटल लिखो ना भाई, फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल की जगह मैं लिख लू ऑर्बिटल विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, केस टू पे जाने का कोई मतलब है नहीं ना, केस थ्री पे आ रहा मैं, केस टू पे नहीं गया हूं, कहां पे आ रहा हूं, केस थ्री, केस थ्री पे ए ने क्या प्रोवाइड किया है, केस थ्री में ए ने क्या प्रोवाइड किया है, ऑर्बिटल विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नोट करें, केस थ्री, केस थ्री में ए ने क्या प्रोवाइड किया है, ऑर्बिटल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी ने क्या प्रोवाइड किया है, और बैटर विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा देखिए अब थ्योरी ऑफ वीबीटी जो स्टार्ट हुई, मैं वीबीटी की बात कर रहा हूं, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूं,
वीपीटी की जब थ्योरी स्टार्ट हुई तो उसने ये कहा कि ए और बी जो एटम्स होंगे वो ऑर्बिटल प्रोवाइड करेंगे। आयतन एम्प्टी एंड फुल का केस होगा, एक केस एम्प्टी और फुल का होगा, और आयतन केस अनपेयर्ड प्लस अनपेयर्ड का। उसने दो ही केस उसके हिसाब से, मतलब इन दोनों केसेस को उसने एक जैसा लिया और एक केस लिया। इस केस में उसे समझाने के लिए ज़्यादा नहीं था, वो इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ से एक चीज़ और कन्फर्म हो गई कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे उनकी स्पिन आपस में कैसी होनी मजबूरी है, अपोजिट, क्योंकि वो पहले से ही पेयर, क्योंकि वो पहले से ही पेयर थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो आए होंगे बाद में दिख रहे होंगे उनकी स्पिन भी कैसी रही होगी, अपोजिट, कन्फर्म था। तो उसी चीज़ को उसने एक्सटेंड कर दिया सिंगल वाले केस पे। उसने कहा ठीक है कि ए एक ऑर्बिटल दे सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, बी भी एक ऑर्बिटल दे सकता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों मिलकर के बात कर रहे होंगे जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या आपस में होना मजबूरी है, मतलब अपोजिट, इन दोनों की स्पिन भी आपस में क्या होना मजबूरी है, अपोजिट। ये बात बिल्कुल सही है। आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन अगर दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन अगर आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं एक सिंगल जगह पे, तो उनकी स्पिन कैसा होना मजबूरी है, अपोजिट। ये बात बिल्कुल सही, लेकिन उसको उसने एक्सटेंड कर दिया और उसका लॉजिक सही भी लग रहा है ऑन द फर्स्ट लुक भाई, क्योंकि इसने और इसने मिलकर के इलेक्ट्रॉन बनाए। उसने कहा तो जब दिए गए होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे तब भी इनकी स्पिन कैसी रही होगी, अपोजिट, मतलब अगर इसने प्लस हाफ वाला दिया होगा ए ने तो बी ने कैसा दिया होगा, माइनस हाफ वाला, तभी बॉन्ड बनेगा वरना बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, ये वीपीटी ने एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर दी थ्योरी, और थ्योरी जब एक्सटेंड विदाउट प्रूफ विदाउट लॉजिक तो जनरली हमने देखा था क्या होती है, गलत। इसका उसके पास कोई लॉजिक यहां से निकल के आ रहा है भाई, ये समझ में आ रहा है ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो आपस में अनपेयर्ड होने चाहिए क्योंकि ये दोनों सिस्टम एक पेयर सिस्टम की तरह एक्ट कर, ठीक है, ये दोनों भी आपस में अलग अलग अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, इसकी कोई गारंटी मुझे नहीं दिख रही। अगर आपको कोई लॉजिक दिख रहा तो आप जरूर बताएं। इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे देते हैं एक्स का, एक को नाम दे देते हैं एक्स का और एक को नाम दे देते हैं वाई। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने x कहा, इसको y कहा, इसको x कहा, इसको y कहा, मैंने कहा स्पिन ऑफ x एंड y मस्ट बी डिफरेंट इन पेयर सिस्टम। x और y की स्पिन आपस में उल्टी होगी, अपोजिट होगी पेयर सिस्टम। इसी चीज को वीपीटी ने और एक्सटेंड कर दिया, उसने कहा कि स्पिन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी डिफरेंट इनिशियली और सेकेंड स्टेटमेंट का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रहा है। अगर आपको हो सकता है दिख रहा हो, आपको दिख रहा हो तो आप मुझे बता सकते, वीपीटी ने ये कहा ये स्टेटमेंट बिल्कुल लॉजिकल है, मैथमेटिकली प्रूफ किया जा सकता है बहुत जल्दी, उसने इस स्टेटमेंट से ये स्टेटमेंट कहा तो उसने क्या सोच के कहा होगा, चलिए ये बात कर लेते हैं। वीपीटी एक आदमी मान लेते हैं, वीपीटी जो भी था उसने क्या सोचा होगा जो उसने ये स्टेटमेंट दे दिया, बोलो भैया कस के बोलो, देखो आज ऐसी बात बहुत बेटा, देखो कबार आपकी आवाज़ यहाँ से भी जानी चाहिए ना, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है और सारे बैचेस में यही सुना जाएगा। आपने मान लीजिए कुछ कहा और मैंने कहा हाँ सही है, लिख लीजिए, आप लोग तो लिख लेंगे, जो वीडियो देख रहा होगा वो उसका भी ध्यान रखिए थोड़ा कष्ट। उसने ऐसा सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज नहीं होता, उसने ऐसा सोचा होगा कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज, या ये सोचना कुछ गलत नहीं है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हो सकता,
भी क्यों हो सकता है, वो भी तो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पहले तो ये देख लिया स्पिन है क्या। कई लोगों का तो कंफ्यूजन रहता है कि स्पिन मतलब क्लॉक वाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा है। बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन नेवर स्पिन, इलेक्ट्रॉन घूमता ही नहीं है। ठीक है चलिए घुमा भी देते हैं थोड़ी देर के लिए, घूम भी रहा होता तो भी क्या हो जाता। दिस इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है मेरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खराब ही रहता है, मैं ऐसे ही घुमाता रहता हूँ। इलेक्ट्रॉन देख लीजिए मैं वैसे ही घुमा रहा हूँ जैसे घूम रहा था। पक्का मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, भरोसा मानिए। एंड नाउ दिस वन इज पक्का। एक तो ये अगर घूम भी रहा होता तो उस जमाने में तो ये माना भी जाता था इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इट वॉज ओनली द बोर जो जिसने ये कहा कि नहीं नहीं घूम रहा। ठीक है बोर के साथ कुछ दिक्कत भी थी, मैं उसके पास आंसर्स बहुत सारे थे लेकिन वो क्या कहते हैं जनता को या हम लोगों को वो आंसर्स बताने के बहुत ज़्यादा मूड में था नहीं। मतलब जिस दिन उसको ये पहली बार पता लगा था, जिस पेपर पे लिखा हुआ था इलेक्ट्रॉन घूमता है स्पिन करता है, उसने कागज फाड़ करके बास्केटबॉल जैसा बना करके कूड़े के डब्बे में छाप दिया। और जिस चीज को हमें 30-40 साल लगे इस बात को कन्फर्म करने में कि इलेक्ट्रॉन घूमता नहीं। ठीक है बट और अगर उसने फेक दिया था तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसके पास कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा और पर्टिकुलर रीजन रहा होगा। ठीक है अगर इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा है तो इट इज द वेक्टर डायरेक्शन, और जस्ट ऑन एक वेक्टर डायरेक्शन ले लेते हैं, प्लस हाफ ऐसा होता है तो माइनस हाफ अपोजिट होता है। क्यों नहीं घूम सकता यार, क्या फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। मैं मान के लू लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि फोर्सेस की डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रहे होंगे यार। जब मॉलिक यहाँ पे शेयर हुआ है तो बहुत सारी एक्सटर्नल चीजें हुई होंगी ना, कुछ बी ने ए के ऊपर में इफेक्ट डाला होगा, कुछ ए ने बी के ऊपर में इफेक्ट डाला होगा, तो क्या ये फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती थी। हो सकती थी। तो अब मैं तुमसे पूछूं क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो अभी शेयर नहीं हुए क्या इनकी स्पिन अपोजिट होना मजबूरी है या नहीं है। नहीं, यहां पर आफ्टर शेयरिंग क्या इनकी स्पिन अपोजिट होना मजबूरी है या नहीं है। है कंफर्म। कई बार आप फिगर्स देखेंगे, जब आप पीपीटी की फिगर्स देखेंगे तो वो फिगर इस तरह से बनाता है। ठीक है और यहां कैसे बना देता है, मतलब पहले से ही अपोजिट लेके आता है और कुछ लिखता नहीं, और सबसे खराबी यही है। ठीक है वो इस तरह से लिखता है कि अपने आप जनरेट क्या करता है कंफ्यूजन की ये बाद में जाकर के अपोजिट हुए हैं या पहले से ही अपोजिट हुए। और ये फिगर क्या सजेस्ट करती है बच्चों को, पहले से ही अपोजिट थे, जबकि पहले से ही अपोजिट रहना कोई मजबूरी नहीं। किस चीज की मजबूरी थी आफ्टर। इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है ना। अभी हम फिर से आते हैं बेबी वीबीटी में। जब बॉन्ड बन रहा था, शेयरिंग हो रही थी कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से, जब भी हो रहा था तो ए और बी शेयर कर क्या रहे थे, ऑर्बिटल्स। शेयरिंग किसकी हो रही थी, ऑर्बिटल्स की। शेयरिंग के समय में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, शेयरिंग के समय इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे, चाहिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दो। कैसे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आदमी दोनों दे दे या फिर दोनों एक ही। बिकॉज एट दैट टाइम द बॉन्डिंग पार ऑफ द नेचर टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, मतलब दो आदमी एक एक ऑर्बिटल शेयर करेंगे, मतलब दो आदमी एक एक ऑर्बिटल शेयर करेंगे, और दोनों ऑर्बिटल में मिला करके टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर हो रहे होंगे, दो। ए दोनों दे दे, बी दोनों दे दे, या फिर दोनों एक एक। इतनी चीज क्लियर हो रही है, यहां तक नोट करें।
That was the initial study of the morning. जो हमें बताई थी. देखिए सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन और सेंटर से ज्यादा इजी है समझना कि हम ऑर्बिटल शेयरिंग से समझें. ठीक डेफिनेटली नाउअडेज व्हाट वी से इज देयर कैन बी एम सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ये पॉसिबल है एम और एन दोनों का नेचुरल नंबर होना मजबूरी है. इन दोनों का नेचुरल नंबर होना मजबूरी है. दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता. आपने 10 ऑर्बिटल लिए मतलब ए और बी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते थे? एक भी कर सकते थे. टोटल मिला के एक भी कर सकते थे. टोटल मिला करके दो भी कर सकते थे. टोटल मिला के तीन भी कर सकते थे. टोटल मिला करके चार भी कर सकते थे. टोटल मिला करके नहीं कर सकते थे. कैसे प्रूफ करोगे? एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन देता है? दो. तो एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम दो आ सकते हैं. ठीक है. तो क्या एम ऑर्बिटल से या एक्स ऑर्बिटल से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2x एक्स ऑर्बिटल टोटल एक्स ऑर्बिटल. लेकिन यहां से दिक्कत यह है कि चूंकि मैंने एम सेंटर्ड लिखा है. सेंटर्ड मतलब एटम होगा और एक एटम एक ही ऑर्बिटल शेयरिंग में दे सकता है या एक से ज्यादा भी दे सकता है? एक से ज्यादा भी दे सकता है चूंकि. तो इस वजह से मैं यहां कंडीशन नहीं लिख रहा हूं. अगर एक ही ऑर्बिटल देता तो मुझे कंडीशन यहां लिखनी चाहिए थी एन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ट्वाइस एन. ठीक है. लेकिन चूंकि मैं यहाँ पे सेंटर का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल से नहीं है सेंटर लिखा हुआ इसलिए कंडीशन लिखी नहीं. इतना लिख सकते हैं यहाँ पर एम सेंटर्ड एन इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग. एम एन दोनों इंटीजर होने चाहिए प्लस होने चाहिए. दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो आपकी पॉसिबल नहीं. नोट कर लीजिए. अब लाइट चली गई है मेरे ख्याल से इनका ये ऑफ हो गया है. पर ये ऑफ हो गया होगा तो मीटिंग भी चली गई होगी. यहां तक निकल के नोट कर लीजिए.